Hello friends, welcome to Mission for Perfect Study channel. My name is Anup Pandey. दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि UPLT ग्रेड का एग्ज़ाम जो लोग वेट कर रहे थे काफ़ी दिन से कि 24 जून को एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए एक बहुत ही निराशा की खबर है कि ये एग्ज़ाम जो है एक बार फिर से टाल दिया गया है इस भर्ती परीक्षा को और 24 जून को होने वाला था ये पेपर और इसको फिर से टाल दिया गया है फ्रेंड्स। तो आज मैं इस बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और आपको कुछ बहुत ही अच्छी और जानकारियां दूंगा इसके बारे में, ठीक है। इसकी नई डेट जो भी होगी एग्ज़ाम का वो भी जल्द रिलीज़ होने वाली है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, अगर आपने हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो भी एकेडमिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपको लगातार मिलती रहें आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें हम एकेडमिक वीडियोस भी अपलोड करते हैं तो आप उन एकेडमिक वीडियोस के माध्यम से भी बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। अगर आप UPPCS, SSC, CGL, CDS, CPOSI किसी की भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की तो आपको सभी जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। आपकी कोई एडवाइस हो तो आप उसको सिंपली कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके। तो आइए देखते हैं, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है 23 मई 2018 को UPPCS मेंस 2017 का कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है। UPPCS मेंस का कैलेंडर जारी कर दिया है 23 मई 2018 को। ये एग्ज़ाम 18 जून से स्टार्ट होकर के 6 जुलाई तक है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ पे हमने इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीनशॉट लिया है। आपको पता होगा कि UPLT ग्रेड का एग्ज़ाम 24 जून 2018 को होने वाला था और UPPCS ने जो है UPPCS मेंस के लिए जो डेट रखी है वो 18 जून से लेकर के 6 जुलाई तक रखी है और इसी के बीच में 24 जून को PCS मेंस की राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और लोक प्रशासन प्रथम पेपर और सेकंड पेपर, इन दोनों का पेपर होगा 24 जून को। तो फ्रेंड्स लगभग 3000 से 4000 तक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि UPPCS मेंस का भी एग्ज़ाम है और जिनका LT ग्रेड का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये वाला पेपर है UPPCS मेंस का और UPLT ग्रेड का भी एग्ज़ाम होगा 24 जून को। इसीलिए फ्रेंड्स लोक सेवा आयोग ने क्या किया है कि एक डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने UPLT ग्रेड के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का मूड, मतलब कि एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करने का मन बनाया है, निर्णय लिया है। तो अब ये एग्ज़ाम 24 जून को नहीं होगा, ये बात बिल्कुल तय है, ठीक है। आज के पेपर में भी ऐसा इसका खबर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि परीक्षा टल गई है और नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा, ठीक है। ये जो है तीसरी बार पेपर टला है। आपको पता है कि पहले 6 मई को पेपर होने वाला था, इसके बाद इसको कैंसिल करके क्योंकि कोर्ट में कुछ केस वगैरह हो गए थे तो उसको हटा करके, मतलब हिंदी पेपर और कंप्यूटर साइंस TGT के लिए कुछ विवाद था जिसको लेकर के लड़के कोर्ट में गए थे एलिजिबिलिटी को लेकर के, ठीक है। तो वो जो रिजॉल्व था, वो जो प्रॉब्लम आई थी उन लोगों, उन कैंडिडेट्स को, उनका कहना था कि हमें भी शामिल किया जाए एग्जामिनेशंस में, ठीक है। एलिजिबिलिटी का कुछ चक्कर था तो उस केस में वो लोग जो है कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने उनके पक्ष में डिसीजन दिया था कि उनको भी इस भर्ती परीक्षा में इंक्लूड किया जाए। तो इसलिए जो है आयोग ने कुछ टाइम लिया था और 6 मई को पेपर कैंसिल करके उसको 24 जून को कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी एक कोर्ट में केस चल रहा है जो कि मेरिट वाले बेस पे है। कुछ लोग चाहते हैं कि एग्जामिनेशन ना हो बल्कि मेरिट बेस पे हो, तो इनका कुछ केस चल रहा है, ये भी जल्दी ही फाइनलाइज होने वाला है फ्रेंड्स। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि PCS मेंस का भी पेपर होना था, ठीक है, वो भी टल चुका है एक बार, तो इसको लेकर के UPPCS ने UPPCS मेंस 2017 का कैलेंडर जारी कर दिया है जो कि 18 जून से होगा और ये तय है बिल्कुल, ठीक है। और इसीलिए जो है 24 जून को जो पेपर था LT ग्रेड का उसको उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया है। उन्होंने निर्णय लिया है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर एक नया कैलेंडर जारी किया जाएगा और उस कैलेंडर में जैसे इनका क्या होता है कि ये 6-6 महीने का कैलेंडर जारी होता है, जनवरी से लेकर जून तक और फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। तो जो अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो कैलेंडर आएगा उसमें UPLT ग्रेड के एग्जामिनेशन डेट के बारे में फाइनल डिसीजन आपको मिल जाएगा कि फाइनल ये तारीख होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, ये एग्ज़ाम 2-3 महीने के अंदर हो ही जाना है इस एग्ज़ाम को।
तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो रहा है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यू टू द कोर्ट केस, बट ये एग्ज़ाम जल्द ही 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। और इसमें केवल एक ही पेपर होना है, ना तो इसमें कोई इंटरव्यू है, ना तो इसमें कोई सेकेंड पेपर है। सो आपका एक पेपर होगा, उसके बाद सिंपली मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते रहिए। मान के चलिए कि ये जुलाई तक एग्ज़ाम, ये पक्का होना ही होना है इस एग्ज़ाम को जुलाई तक, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आई से थैंक्स टू यू एंड हैव अ ग्रेट डे। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में। थैंक